बहन साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। तो बहुत से मेरे साथी लोग कमेंट कर रहे थे कि सर, यूपी पुलिस, आप यूपी पुलिस के बारे में कुछ और बताइए, और क्या SSCGD? तो SSCGD में वो पहले ज़्यादातर देख रहा हूँ मैं, सोशल मीडिया पर चल रहा था कि 84,000 वैकेंसी आई थी, फिर बाद में क्या हुआ कि 26,146 वैकेंसी आई हुई हैं। क्या यूपी पुलिस में भी ऐसा ही होगा? क्यों, यूपी पुलिस में ही बात चल रही है कि ज़्यादातर सोशल मीडिया पे चल रहा है कि 65,389 वैकेंसी आने वाली हैं, अखबारों में भी चल रही थी, ऐसा ही SSCGD में चल रहा था। क्या ऐसा यूपी पुलिस के साथ हुआ तो हम लोग क्या करेंगे? आयु के लिए जो SSCGD ने थोड़ी आयु में राहत दी है, उन्होंने 1/1/1024 से मतलब आयु काउंट की है। नहीं, अगर देखो भर्ती आपकी 2023 में, ठीक है, उन्होंने 2024 से आयु आयु कांट किए, तो उन्होंने 5-6 महीने की राहत दी है। क्या यूपी पुलिस में ऐसा हो सकता है? मान लीजिए अगर आपके आवेदन दिसंबर से हुए तो क्या वो भी ऐसा कर सकते हैं? आज हम सभी साथियों के जो जो मेरे साथियों ने कमेंट करे हैं इस पर बात करेंगे, और रेडियो ऑपरेटर जितने मेरे साथी लोग हैं, रेडियो ऑपरेटर की ऑफिस कैसी है वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन मैं ऑफिस में गया था, कार्यालय भी गया था, उसके बारे में बात करेंगे। SSCGD में कोई भर्ती बोर्ड की तरफ से, SSC की तरफ से कोई मतलब ये नहीं दर्शाया गया था कि आपकी वैकेंसी मतलब एक बार में इतनी आएंगी, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस की जो भर्ती आपकी 65,389 हैं, आप लोगों ने देखा होगा 21 अक्टूबर को क्या था, 21 अक्टूबर को है पुलिस स्मृति दिवस थी, तो उसमें CM साहब ने भी बोला था कि 65,389 पदों की भर्ती, जो भर्ती की प्रक्रिया है वो प्रचलित है। तो देखो जितने मेरे साथी लोग हैं कमेंट कर रहे हैं कि भर्ती कब आएंगी, देखो भर्ती, देखो सरकार की तरफ से आप लोगों को पता है नोटिफिकेशन आ चुका है, ठीक है, टेंडर में आप लोगों ने देखा होगा कि उन्होंने बता दिया कि भर्ती आपकी आने वाली है, लेकिन देखो टाइम लगेगा, कितना भी टाइम लगेगा इसकी अभी देखो, फिलहाल में देखो उम्मीद तो यही है जितने मेरे साथी लोग हैं कि चांस है दिसंबर या जनवरी में। लेकिन साथी जो मेरे हैं, आप लोग अपनी तैयारी देखिए ना, आपकी तैयारी कैसी चल रही है। देखो तो भर्ती अगर राज्य सरकार ने अगर कह दिया है तो भर्ती आज नहीं तो कल, वो भर्ती तो आपकी आएगी, देरी जरूर हो रही है, लेकिन आप ये तो देखिए कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। नहीं, आप भर्ती आप ये सोचते रहे हैं कि भर्ती नहीं आ रही है, हमारी तैयारी नहीं चल रही, तो मैं आपसे बार बार यही इसी वजह से कहता हूँ कि आप अपनी तैयारी अच्छे से करिए, क्योंकि भर्ती आज नहीं कल वो जरूर आएगी, ये मैं आपसे 100% बोल रहा हूँ। मैं मान रहा हूँ कि भर्ती में देरी हो रही है, लेकिन मैं ये आपसे बता रहा हूँ, भर्ती में मान लीजिए अगर देरी हो रही है, देरी होगी, इसमें आपको आयु में राहत मिलेगी, आयु में छूट मिलेगी। ये नहीं है कि आप ये सोच रहे होंगे कि भर्ती देखो 2024 में आएगी तो आयु वही होगी जो 18 से 22 होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, मुझे जानकारी मिली है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और देखो आयु की सुनवाई, देखो आयु की सुनवाई अक्टूबर में होगी, जो मुझे थोड़ी बहुत जानकारी मिली है, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में जो हाई कोर्ट में आयु की जो सुनवाई के लिए जो आपकी 22 नवंबर डेट थी वो अब दिसंबर में होगी, दिसंबर के फर्स्ट वीक में, जानकारी जो मिली है वो मैं आपको, मैंने सोचा अपने साथियों को जो भी अपडेट मुझे मिलती है मैं अपने साथियों तक पहुंचा देता हूं, तो मैंने इसी वजह से आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है कि आप लोगों को बता दूं कि आयु की सुनवाई कब होगी। आयु की सुनवाई जो मुझे, जो कुछ लोग मेरे साथी लोग हैं, मैंने उनसे जानकारी प्राप्त की है, तो मैंने सोचा आपको एक बार फिर से पुनः बता दूं कि आयु की सुनवाई आपकी दिसंबर के फर्स्ट वीक में होगी। जैसे ही अगर, तो शायद लग सकता है कि अगर दिसंबर के फर्स्ट वीक में आयु की सुनवाई होगी, शायद 15 तारीख तक आपको नोटिफिकेशन भर्ती बोर्ड की तरफ से दे दिया गया जाए। तो देखो आप लोगों को, मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा जितने मेरे साथी लोग हैं तैयारी कर रहे हैं, कि आप अपनी तैयारी कमर कस के तैयार रखिए, आप अपनी तैयारी बिल्कुल कैसे रखिए कि इस बार आपको सिलेक्शन लेना ही लेना है। और SSCGD, जो SSCGD वाले जितने मेरे साथी लोग हैं जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और SSCGD की, मैं उनको बता दूं आप लोग तैयारी अच्छे से करिए, क्योंकि SSCGD की जो 26,146 पोस्ट हैं, ये आपके पोस्ट बढ़ेंगे, ये आपकी वैकेंसी 50,000 तक जाएंगी जब तक आपका एग्जाम होगा। तुम आप लोग खुद देख लेना, जो आपकी पिछली बार वैकेंसी आई थी, दूसरी बार में 35,000 हुई थी, फिर आपकी 40,000 हुई थी, ऐसे करके आपकी वैकेंसी बढ़ाई गई थी,
तो SSC ये हर बार यही करती है, तो इस बार भी आप लोग घबराएं नहीं। आप लोगों को देखो मेरिट 140 लगभग नंबर मान लीजिए, आप कम से कम 140 नंबर जनरल के बता रहा हूँ मैं। तो देखो मैं आप लोगों को यही बता रहा हूँ कि आपकी वैकेंसी SSC बढ़ेंगी और यूपी पुलिस की भी वैकेंसी आपकी आने वाली हैं। आप लोग बस अपनी तैयारी बरकरार रखिए। और रेडियो ऑपरेटर जितने मेरे साथी लोग हैं रेडियो ऑपरेटर वाले, मैं उनकी ऑफिस में गया था, कार्यालय जहाँ उनका लखनऊ में है वहाँ पर गया था, तो मैंने वहाँ जाके जानकारी प्राप्त की है। जो मुझे जानकारी मिली है, मैंने बाहर से वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने बाहर से वीडियो बनाया है, अंदर से नहीं बना पाया। तो वहाँ मुझे जो जानकारी मिली है, उस जानकारी मुझे यही जितने मेरे साथी लोग थे उनसे मैंने पूछा कि इन लोगों का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। तो देखो आप लोगों का एग्ज़ाम दिसंबर लास्ट है, जनवरी में उन्होंने बताया है। तो जो भी अपडेट मिलेगी मैं अपने साथियों तक जरूर बताऊंगा। आप अपनी तैयारी अच्छे से करिए, मेरी आपसे यही कामना है। जय हिंद।